दोस्तों ये हमारी फ्री चार्ट पैटर्न कोर्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हमने जितने भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को आप चाहें तो इसके बाद भी देख सकते हैं, लेकिन देख जरूर लीजिएगा क्योंकि वहां से आपको रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा। और आज हम सीखने वाले हैं जितने भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में। आप देख सकते हैं इतने सारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स हैं और इनको हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसी को पेड कोर्स में बेचा जाता है, हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है इसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी शेयर की प्राइस बढ़ी रही, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में जहां पर मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न्स बताए थे वहां पर जब भी उनमें से कोई पैटर्न बनता था उसके बाद शेयर की प्राइस रिवर्स कर जाती थी, यानी अगर बढ़ रही होती थी तो गिर जाती थी, गिर रही होती थी तो बढ़ जाती थी। लेकिन इस केस में शेयर की प्राइस उसी ट्रेंड में वापस से चलने लगती है जहां पर वो पहले चल रही थी। तो जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की जो प्राइस थी वो पहले बढ़ रही थी, अब बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं R1। अब यहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और गिरते गिरते बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरी, लेकिन इस जगह पर इसने सपोर्ट ले लिया, तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया S1। अब इसके बाद वापस से शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस लिया था ठीक उसी जगह पर शेयर की प्राइस अपना दूसरा रेजिस्टेंस ले लेती है। तो यहां पर उसने रेजिस्टेंस लिया, अब इसके बाद वापस से शेयर की प्राइस गिरने लगती है और जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था ना ठीक उसी जगह पर वो अपना दूसरा सपोर्ट ले लेती है। तो यहां पर इसने अपना दूसरा सपोर्ट ले लिया है और इसके बाद शेयर की प्राइस वापस से बढ़ने लगती है। अब जब दो बार शेयर की प्राइस एक ही जगह पर रेजिस्टेंस ले लेती है, दो बार एक ही जगह पर सपोर्ट ले लेती है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली इससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है दोनों तरफ पे। अब जब भी शेयर की प्राइस ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दे देगी तो क्योंकि ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है और यहां पर पहले से शेयर की प्राइस बढ़ रही थी तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। यानी अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है तो अब क्योंकि इसने अपने पहले वाले जो दो रेजिस्टेंस थे उनको ब्रेक कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। अब आपको ये पैटर्न तो समझ आ गया है लेकिन इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर हमने देखना है कि दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो के बाद तीसरा सपोर्ट या तीसरा रेजिस्टेंस नहीं बन सकता। जैसे इस केस में आप देखेंगे तो यहां पर शेयर की प्राइस ने 12 से रेजिस्टेंस ले लिया, उसके बाद वापस से गिरी और यहां पर आकर शेयर की प्राइस ने 12 से सपोर्ट ले लिया, फिर से चौथी बार शेयर की प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहां पर उसने चौथी बार सपोर्ट भी ले लिया और उसके बाद जाकर ब्रेकआउट दिया। यानी दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जरूरी हैं, उसके बाद हो सकता है कि कितने भी सपोर्ट या कितने भी रेजिस्टेंस हो, और ये जितना ज्यादा एक रेंज में घूमने के बाद ब्रेकआउट आएगा ना उतना वो ब्रेकआउट स्ट्रांग होगा। तो अगर दो के बाद ब्रेकआउट आ जाता है तो अच्छा है, लेकिन चार या पांच के बाद आता है तो और अच्छा है। तो चलिए अब इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है अब वो भी समझ लेते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो अप ट्रेंड में थी और यहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस ने अपना पहला रेजिस्टेंस बनाया। अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और गिरते गिरते यहां पर आई और यहां पर उसने अपना पहला सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ी, बढ़ते बढ़ते उसने यहां पर अपना सेकंड रेजिस्टेंस बना दिया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस वापस से गिरने लगी और गिरते गिरते यहां पर उसने अपना दोबारा से सपोर्ट ले लिया। अब जब दो बार उसने रेजिस्टेंस बना दिया है, दो बार उसने सपोर्ट बना दिया है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारा जो रेक्टेंगल पैटर्न है वो तैयार हो गया है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने दोनों सपोर्ट और दोनों रेजिस्टेंस से लगते हुए लाइन खींच लेनी है। अब जब आप इस तरीके से लाइन खींच लेंगे तो इसके बाद जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा उसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। अब इस केस में आप देखें यहां से शेयर की प्राइस बढ़ी और इसके बाद इसने 12 से यहां पर रेजिस्टेंस बनाया है और उसके बाद वापस से यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना तीसरा सपोर्ट बनाया है और तब जाकर यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो जैसे ही आपको दिखाई देता है कि अब शेयर की प्राइस इससे ऊपर निकल चुकी है तो जिस कैंडल में ब्रेकआउट आता है आपने क्या करना है, जैसे ही वो कैंडल क्लोज हो जाती है आपने तब एंट्री ले लेनी है। तो आपने यहां पर बाय कर लिया होता या एंट्री ले ली होती
आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अगर मान लीजिए वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और ये एक छोटी रेंज है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो जो सपोर्ट है यहाँ पर रख सकते हैं, यानी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है। अब मान लीजिए अगर ये रेंज काफी ज्यादा बड़ी है, तो इस केस में आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो हो सकता है आपकी आधी कैपिटल ही वाइप हो जाए। तो इसलिए ज्यादातर केस में जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है आपने उस कैंडल के नीचे यानी करीब यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, और टारगेट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है आप उतना ही टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच में 5% का डिफरेंस है तो आप ऊपर भी 5% का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आप इस तरीके से बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो इसके साथ ही आपने वॉल्यूम का भी यूज करना है कंफर्मेशन के लिए। अगर मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तब आप ज्यादा कंफर्म हो सकते हैं कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। अब वॉल्यूम का यूज कैसे करना है, ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो है ना रिवर्सल पैटर्न वाली, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। वैसे भी वो आपको देखनी ही है, वहां पर हमने रिवर्सल पैटर्न बताए हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो उनको तो आपने देखना ही है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड चार्ट पैटर्न है इसका नाम है बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, और इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक बियरिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इस केस में शेयर की प्राइस जिस ट्रेंड में थी वो उसी ट्रेंड में जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और गिरते गिरते उसने ये एक जगह थी जहां पर सपोर्ट लिया, तो यहां पर इस पॉइंट का नाम हमने सपोर्ट वन रख दिया। इसके बाद प्राइस बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आकर रेजिस्टेंस बनाती है और उसके बाद प्राइस गिरने लग जाती है, तो ये हमारा R1 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जहां पर शेयर की प्राइस ने पहला सपोर्ट लिया था ना, ठीक उसी जगह पर आने के बाद शेयर की प्राइस वापस बढ़ने लग जाती है, यानी यहां पर ये दोबारा सपोर्ट लेती है, तो इसका नाम हमने S2 रख लिया। और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस बनाया था उसी जगह पर वो अपना सेकंड रेजिस्टेंस बना लेती है। अब जैसे ही शेयर एक ही जगह पे दो सपोर्ट ले लेता है, एक ही जगह पे दो रेजिस्टेंस ले लेता है, तो उसके बाद आपने इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। और इसके बाद जैसे ही आपको नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब शेयर की प्राइस गिरने वाली है और आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। और बुलिश रेक्टेंगल की तरह ही इस केस में भी दो रेजिस्टेंस बनने के बाद जरूरी नहीं है कि उसी टाइम शेयर की प्राइस गिर जाए, उसके बाद हो सकता है कि बहुत देर तक शेयर की प्राइस उसी रेंज में घूमती रहे। तो जब शेयर की प्राइस आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि उसने ब्रेक डाउन दे दिया है तभी आप उसमें एंट्री लें। और कुछ केसेस में यहां पर मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि शेयर की प्राइस यहां पर आते ही नीचे गिर जाए, हो सकता है कि उसके बाद शेयर की प्राइस दोबारा से अपना जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करे और उसके बाद नीचे गिरे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए भी आप वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर आप ट्रेड कैसे लेंगे, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, यहां पर उसने पहला रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस गिरी, यहां पर उसने सेकंड सपोर्ट बना दिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, यहां पर उसने सेकंड रेजिस्टेंस बना दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दो तरीके से लाइन खींच दी, इसके बाद प्राइस ने दोबारा से यहां पर आई और तीसरा सपोर्ट बनाया। अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे, वो यहीं पर बाय कर देंगे, उन्हें लगेगा यार थोड़ा सा नीचे आ गई है। तो देखो आपने जल्दबाजी में बाय नहीं करना है, जब आप पूरा कंफर्म हो जाए कि इसके नीचे आकर कैंडल क्लोज हो गई है तब जाकर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, या फिर कई बार रीटेस्ट करने के बाद आप एंट्री लीजिएगा। तो जल्दबाजी में या फिर फोमो में आकर अगर आप ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस होंगे, इसलिए जब पूरा कंफर्म हो जाते हो कि यहां पर ब्रेकडाउन आ गया है तभी ट्रेड लें। अब इस केस में आपने देखा कि अभी ब्रेकडाउन नहीं आया है और उसके बाद वापस से शेयर की प्राइस बढ़ने लग गई, तो यहां पर शेयर की प्राइस ने थर्ड रेजिस्टेंस बनाया। अब इसके बाद शेयर की प्राइस वापस गिरने लग गई, अब हो सकता था कि यहां पर शेयर की प्राइस दोबारा से सपोर्ट ले ले, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि इसने अपना जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया और प्राइस नीचे गिर गई है। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे ही शेयर की प्राइस जो है वो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो इस केस में आप इस वाली कैंडल के नीचे यानी यहां पर कहीं पर एंट्री लेते तो आपकी जो एंट्री होती वो यहां पर होती और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो मैंने आपको बताया कि जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है आपने उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपका स्टॉप लॉस जनरली यहां पर होता। लेकिन मान लीजिए अगर ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इसके बाद वाली जो कैंडल है ना आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और टारगेट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही टारगेट आप नीचे लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहां पर 5% का डिफरेंस है तो इतना ही 5% का टारगेट आप नीचे लेकर चल सकते हैं, और इस तरीके से आप बियरिश रेक्टेंगल के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको सही में समझ आया भी है या फिर नहीं। तो इसके लिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए शेयर की जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरती है और यहाँ पर उसने अपना पहला रेजिस्टेंस बना दिया है, उसके बाद प्राइस गिरती है, यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट लेती है, अब इसके बाद प्राइस बढ़ती है और यहीं पर वो अपना ब्रेकआउट दे देती है, तो क्या ये एक रेक्टेंगल पैटर्न होगा? ये आपने हमें कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको समझ आया तो अभी के अभी कमेंट कीजिए। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चार्ट पैटर्न के ऊपर अभी एक और वीडियो आएगी और तब जाके आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि नई वीडियो आ चुकी है। दोस्तों अब आते हैं हमारे थर्ड चार्ट पैटर्न बुलिश फ्लैग पर। ये भी कुछ कुछ रेक्टेंगल पैटर्न जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम समझेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। दिखने में हो सकता है आपको ये थोड़ा खतरनाक लग रहा हो लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इस केस में भी क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है तो इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और दूसरा ये सभी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका मतलब पहले भी शेयर की प्राइस बढ़ी रही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, तो इस केस में जो शेयर की प्राइस है ना उसमें अच्छा मूव हमें देखने को मिलना चाहिए, तभी हम इसको फ्लैग पैटर्न मानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है, तो इस पॉइंट का नाम हमने डाल दिया है R1। अब इसके बाद प्राइस गिरती है और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही गिरती है, और गिरने के बाद यहां पर जो शेयर की प्राइस है वो अपना पहला सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लग जाती है। अब जब प्राइस बढ़ रही होती है तो रेक्टेंगल वाले केस में क्या हुआ था कि जहां पर शेयर की प्राइस ने पहले अपना रेजिस्टेंस बनाया था ठीक उसी लाइन में जाकर उसने अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाया होता है, लेकिन इस केस में जो शेयर की प्राइस है वो अपने पहले रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे यानी यहां पर जाकर अपना सेकेंड रेजिस्टेंस बनाती है, उसके बाद प्राइस वापस से गिरने लग जाती है और गिरते गिरते शेयर की प्राइस नीचे आती है, और इस केस में जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था उससे नीचे जाकर यहां पर देखो इसने सपोर्ट लिया है। अब जब आप देखते हैं कि जो शेयर की प्राइस है उसने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बना दिए हैं, जिसमें जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे है और जो सेकंड सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट के नीचे है, तब आपने क्या करना है, आपने सिंपली दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करने होती है ये हमने हमारी जो ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो है उस वीडियो में बताया, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आप इस तरीके से दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद जब आप देखते हैं कि शेयर की प्राइस में क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है तो जैसे ही आप देखते हैं कि शेयर की प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि शेयर की प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट नहीं दिया था, इसके बाद इसने तिबारा से रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। अब गिरते गिरते शेयर की प्राइस ने तिबारा से सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद वापस शेयर की प्राइस बढ़ी, और इस केस में भी हो सकता था कि शेयर की प्राइस गिरे। तो जितना ज्यादा बार शेयर की प्राइस एक रेंज में मूव करने के बाद ब्रेकआउट देगी वो उतना बेटर होगा, लेकिन इस केस में शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना ब्रेकआउट दे दिया और जैसे ही आप कंफर्म हो जाते हैं कि शेयर की प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि अब वापस से शेयर की प्राइस में एक तेजी देखने को मिलेगी और यहां पर अप ट्रेंड आ चुका है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस थी वो अप ट्रेंड में थी और यहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस ने अपना पहला रेजिस्टेंस बना दिया, उसके बाद प्राइस गिरने लगी, यहां पर उसने पहला सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस बढ़ी, यहां पर सेकंड रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस गिरी, यहां पर उसने अपना सेकंड सपोर्ट बनाया। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे है, सेकंड सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट के नीचे है। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से दो ट्रेंड लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद जैसे ही आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि इसके बाद यहां पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब बीच में शेयर की प्राइस नीचे भी आती है और उसके बाद जाकर यहां पर ब्रेकआउट देती है, तो जब आपको दिखाई देता है कि अब शेयर की प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट दे दिया है, तो इस केस में ये जो हमारी ग्रीन वाली कैंडल है ये कैंडल क्योंकि हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो यहां पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसके बाद वाली जो कैंडल है यानी ये जो रेड कैंडल है आप इसमें अपनी एंट्री ले लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे वाला पॉइंट यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और कुछ केसेस में अगर मान लीजिए ये जो फ्लैग है वो बहुत छोटा है, 2% है, 3% है, 2.5% है, तो आप जहां पर इसका जो सपोर्ट लेवल है ना यहां पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
तो अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो रहा है तो यहाँ पर रख लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर रख सकते हैं। और टारगेट के दो तरीके हैं, अगर मान लीजिए फ्लैग अच्छा खासा बड़ा है तो आप जितना इन फ्लैग के बीच में डिफरेंस है उतना टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लो 5% का है तो आप 5% का ही ऊपर टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि जितना ये पोल है उतना ही आप ऊपर टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 7% का आपको देखने को मिल रहा है तो आप 7% का ही ऊपर टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हमारा बुलिश फ्लैग है इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आपको बुलिश फ्लैग समझ आ गया है तो बेयरिश फ्लैग भी बहुत आसान है, वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक बेयरिश फ्लैग है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और क्योंकि ये सभी कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इसका मतलब है इससे पहले भी शेयर की प्राइस गिरी रही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस पहले गिर रही थी, यहां पर आने के बाद शेयर अपना पहला सपोर्ट लेता है, उसके बाद प्राइस बढ़ती है लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। और यहां पर आकर शेयर की प्राइस पहला रेजिस्टेंस लेती है, उसके बाद प्राइस वापस से गिरने लगती है लेकिन जितना पहले गिरी थी ना उतना नहीं गिरती, उससे कम गिरती है। तो हमारा जो सपोर्ट 2 है वो इस केस में सपोर्ट 1 के ऊपर है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद प्राइस बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते पहले जितना बढ़ी थी उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ती है। तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस 2 है वो रेजिस्टेंस 1 से ऊपर है। तो जब इस तरीके से दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बन जाते हैं तब आपने क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। अब जैसे ही शेयर की प्राइस इसके बाद हमारा जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देती है तो आप यहां पर कंफर्म हो सकते हैं कि अब शेयर की प्राइस गिरने वाली है और आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अब इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो पहले डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहां पर आने के बाद शेयर की प्राइस ने अपना पहला सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस बढ़ी, यहीं पर इसने अपना पहला रेजिस्टेंस बना दिया, उसके बाद प्राइस गिरी, यहां पर इसने सेकंड सपोर्ट बना दिया, फिर प्राइस बढ़ी, यहां पर इसने अपना सेकंड रेजिस्टेंस बना दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है और जो सेकंड सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर है। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस से लगते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसा यहां पे ड्रॉ हो रखी है, और ऐसे ही फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट से लगते हुए भी आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि यहां पर ड्रॉ हो रखी है। अब इसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दे देती है, जैसे ये जो रेड वाली कैंडल है इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे यहां पर अपनी क्लोजिंग दे दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद वाली जो कैंडल होगी जो कि इस केस में ये कैंडल है, आपने यहां पर अपनी एंट्री ले लेनी है। तो देखिए ये जो फ्लैग है ये बहुत ही छोटा है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस फ्लैग के ऊपर यानी यहां पर कहीं पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा वो, क्योंकि आपका फ्लैग बहुत छोटा है तो इतना छोटा टारगेट हो सकता है ये 2% 3% का हो या 1% का हो, तो इतना छोटा टारगेट तो आप लोगे नहीं। तो इस केस में जितना आपका पोल का साइज है आप इतना ही टारगेट नीचे मानकर चल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये 5% है तो इतना ही टारगेट आप नीचे का भी लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आप 5% का टारगेट लेंगे और इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं हमारे बियरिश फ्लैग पैटर्न को। अब जब आपने बुलिश फ्लैग पैटर्न को भी समझ लिया है और बियरिश फ्लैग पैटर्न को भी समझ लिया है तो अब आपने कमेंट करके बताना है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न में और बियरिश फ्लैग पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये अभी के अभी कमेंट कीजिएगा और मैंने आपको ये समझाया भी है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ चार्ट पैटर्न है इसका नाम है बुलिश पेनेंट, नाम से ही समझ आ रहा है बुलिश है। दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहे हैं तो पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही होगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद यहां पर एक पेनेंट पैटर्न बना है। अब ये जो पेनेंट पैटर्न है ना और जो फ्लैग पैटर्न है उसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो कि आपको समझना है। तो देखिए यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, इसने यहां पर अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस गिरी, यहां पर इसने फर्स्ट सपोर्ट लिया, यहां पर इसने सेकंड रेजिस्टेंस ले लिया। अब फ्लैग पैटर्न में क्या था कि जो सेकंड रेजिस्टेंस था वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे था और जो सेकंड सपोर्ट था वो फर्स्ट सपोर्ट के नीचे था, यानी अगर ये सेकंड सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट के नीचे ले लेता तो ये फ्लैग पैटर्न बन जाता, लेकिन इसने फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर ले लिया है तो ये पेनेंट पैटर्न बन गया है। तो इसका जो सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर है। अब इसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दे देता है तो यहां पर हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। वैसे अगर शेयर की प्राइस यहां पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे तो शेयर की प्राइस गिरने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर हम कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात कर रहे हैं तो पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद जैसे ही इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद भी प्राइस बढ़ने लग गई। अब इसके बेसिस पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे लेंगे, तो वो ट्रेड लेने का भी जो तरीका है ना वो जैसे हम फ्लैग पैटर्न में ट्रेड ले रहे थे वैसे ही यहां पर भी ट्रेड ले लेंगे।
करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस गिरी, यहां पर उसने फर्स्ट सपोर्ट लिया, प्राइस बढ़ी, यहां पर सेकंड रेजिस्टेंस, यहां पर सेकंड सपोर्ट। अब जो हमारा सेकंड सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर है, इसलिए ये पेनेंट पैटर्न बन गया है। अब इसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देती है तो उस कैंडल के बाद वाली कैंडल के ऊपर यानी यहां पर कहीं पर हम एंट्री ले लेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे यानी यहां पर कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में डिफरेंस है इतना ही टारगेट हम ऊपर लेकर चल सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए टारगेट छोटा है और आपको लगता है कि यहां पर तेजी है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम यहां पर बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बारे में इससे पहले वाला जो पार्ट है ना उसमें हमने कवर कर रखा है, तो वहां से आप देख लीजिएगा कि अगर ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ा है तो आप यहां पर जितना हमारा जो पोल का साइज था इतना ही आप ऊपर टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुलिश पेनेंट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो आप समझ ही गए होंगे, वो है बेयरिश पेनेंट। और बेयरिश पेनेंट भी जो हमारा बुलिश पेनेंट है इसका जस्ट अपोजिट है, नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये एक बेयरिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है इसका मतलब है इससे पहले भी शेयर की प्राइस गिरी रही होगी, तो आप देख ही सकते हैं। तो यहां पर शेयर की प्राइस पहले गिर रही थी, उसने अपना पहला सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ी, और यहां पर इसने अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस से गिरी, और यहां पर इसने अपना सपोर्ट लिया। तो इस केस में जो हमारा सेकंड सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर है, और इसके बाद यहां पर जाके इसने जो रेजिस्टेंस लिया सेकंड रेजिस्टेंस वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे है। तो इसके बाद जैसे ही इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तो हम क्या करेंगे, इनको लगते दो ट्रेंड लाइन खींच देंगे। तो जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन खींच दी है उसके बाद अगर कभी भी शेयर की प्राइस में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ जाए तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि बेयरिश पेनेंट पैटर्न बना है और इसके बाद प्राइस गिर सकती है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे लेंगे, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको हमारा एक बेयरिश पेनेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वो गिर रही थी और इसके बाद शेयर की प्राइस ने यहां पर जाकर हमारा पहला सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ी, यहां पर इसने पहला रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरी, यहां पर इसने सपोर्ट लिया, यहां पर इसने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींचेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट को लगते हुए खींचेंगे, और उसके बाद जैसे ही किसी कैंडल ने हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया तो उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर हम एंट्री ले लेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके ऊपर यानी यहां पर कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट के लिए मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है आप उतना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जितना लंबा हमारा पोल है आप उतना ही टारगेट लेकर नीचे की तरफ चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेयरिश पेनेंट पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आपको पेनेंट पैटर्न भी समझ आ गया है, तो फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न के बीच में डिफरेंस क्या है ये कमेंट करके बताइएगा, और हाँ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ती ओर, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये एक बुलिश पैटर्न है, और क्योंकि ये सभी कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इसका मतलब भी आप समझ ही गए हैं कि पहले भी शेयर की प्राइस बढ़ी रही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की जो प्राइस थी वो पहले बढ़ रही थी, उसके बाद शेयर ने यहां पर अपना रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद प्राइस गिरने लग गई, प्राइस गिरी तो यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ी, और इस बार जहां पर शेयर की प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस लिया था ठीक उसी जगह पर यानी यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना सेकंड रेजिस्टेंस ले लिया। लेकिन सपोर्ट के केस में आप देखेंगे कि जो शेयर की प्राइस है उसने जहां पर सपोर्ट लिया था ना उससे ऊपर जाकर यानी यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना सेकंड सपोर्ट लिया है। तो अब जब इस तरीके का पैटर्न बनता है जहां पर जो दोनों रेजिस्टेंस होते हैं वो एक लाइन में होते हैं और जो हमारा सेकंड सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर बनता है, तब आपने हमारे जो दोनों रेजिस्टेंस है उनसे लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है, इसके साथ ही हमारे जो दोनों सपोर्ट है उनसे लगते हुए भी लाइन खींच देनी है, और इसके बाद जैसे ही शेयर की प्राइस में ऊपर की तरफ पे ब्रेकआउट आता है वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने उसके बाद थोड़ी देर और कंसोलिडेट किया और इसके बाद यहां पर जाकर शेयर की प्राइस में ब्रेकआउट आया। अब अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे लेंगे, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस पहले बढ़ रही थी, यहां पर उसने पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरी, यहां पर उसने पहला सपोर्ट लिया, फिर प्राइस बढ़ी, यहां पे सेकंड रेजिस्टेंस, यहां पर सेकंड सपोर्ट, और इसके बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया तो अब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है अब उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर कहीं पर अपनी एंट्री ले लेंगे,
आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है आप उतना ही टारगेट ऊपर लेकर चल सकते हैं। तो अब आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न समझ आ गया है, तो यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको ट्रायंगल पैटर्न क्यों कहते हैं। तो इसको ट्रायंगल पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से जोड़ लूं तो अब आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन गया है, इसलिए इसको ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। और क्योंकि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ रही है इसलिए ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। अब इसके बाद जस्ट इसका जो अपोजिट है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। आप समझ ही चुके हैं कि ये एक बेयरिश पैटर्न है क्योंकि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और डिसेंडिंग का मतलब ही होता है कि प्राइस गिर रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वो डाउन ट्रेंड में थी, मतलब गिर रही थी, और यहां पर जाकर शेयर की प्राइस ने अपना पहला सपोर्ट लिया और इसके बाद प्राइस बढ़ने लग गई। बढ़ते बढ़ते प्राइस यहां पर गई, यहां पर जाकर उसने अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरने लगी, और इस बार जहां पर शेयर की प्राइस ने पहला सपोर्ट लिया था वहीं पर शेयर की प्राइस ने अपना सेकंड सपोर्ट भी लिया है। वैसे यहां पर आपको बता दूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सपोर्ट हो सकता है। ये हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी क्लियर किया था, उसको बिल्कुल मिस मत करना, उसको जरूर देख लेना। तो यहां पर शेयर की प्राइस ने जहां पर पहले सपोर्ट लिया था वहीं पर दोबारा भी सपोर्ट लिया और इसके बाद शेयर की प्राइस वापस बढ़ने लगी, लेकिन जितना पहले बढ़ी थी उतना नहीं बढ़ पाई, उससे कम बढ़ी, और यहां पर जाकर ही शेयर की प्राइस ने अपना सेकंड रेजिस्टेंस ले लिया। अब इसके बाद जब शेयर की प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस से लगते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सपोर्ट से लगते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद जैसे ही शेयर की प्राइस हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया है और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर हमने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी लगाया है। तो यहां पर दोबारा से सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद अगर सपोर्ट से प्राइस गिरने लग जाती है तो आप यहां पर कंफर्म हो सकते हैं कि अब तो प्राइस पक्का गिरने वाली है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो यहां से आप श्योर हो जाएंगे कि प्राइस गिर सकती है और आप इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे लेंगे, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो पहले डाउन ट्रेंड में है, यानी गिर रही है, और यहां पर इसने सपोर्ट ले लिया। इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी, यहां पर इसने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर प्राइस गिरी, यहां पर इसने सपोर्ट ले लिया, और जहां पहले सपोर्ट लिया था ठीक उसी जगह पर उसने अपना दूसरा सपोर्ट लिया है। इसके बाद प्राइस बढ़ती है और जहां पर पहले रेजिस्टेंस लिया था उससे नीचे जाकर शेयर की प्राइस अपना सेकंड रेजिस्टेंस लेती है। अब इसके बाद जैसे ही शेयर की प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगी तो आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो अब यहां से प्राइस गिर सकती है। अब मुझे पता है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपने एंट्री कहां पे लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा और आपका टारगेट कहां पर होगा। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट करना, लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं बता देता हूं कि जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके जो बाद वाली कैंडल है आप इसमें अपनी एंट्री लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके ऊपर, यानी यहां पर आपका कहीं पर स्टॉप लॉस होगा, या फिर कुछ केसेस में आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर भी रख सकते हैं, वो हमें सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ता है। और रही बात टारगेट की, तो फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है ना, आप उतना ही टारगेट नीचे लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ यहां पर आपने बताना है कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है और जो बियरिश पेनेंट पैटर्न है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है इसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दिखने में ये जो चार्ट पैटर्न है ये आपको बुलिश पेनेंट पैटर्न जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल भी डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही है कि जो हमारा बुलिश पेनेंट पैटर्न होता है ना उसमें आपको एक पोल देखने को मिलता है। पोल से हमारा मतलब है कि यहां पर आपको एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसमें जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। बाकी ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है इसको आप बुलिश पेनेंट पैटर्न की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देखिए शेयर की प्राइस ऊपर गई, यहां पर इसने अपना पहला रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद प्राइस गिरने लग गई, यहां पर इसने अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस बढ़ी, यहां पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस गिरी, यहां पर सपोर्ट बनाया। अब जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे है, जो सेकंड सपोर्ट है वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों से लगते हुए एक लाइन खींच देंगे जो कि हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद जैसे ही शेयर की प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो यहां पर हम ये मान के चल सकते हैं कि शेयर की प्राइस अब बढ़ने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना ये एक्चुअल में कोई कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न नहीं है,
ये एक नॉर्मल पैटर्न है, क्योंकि इस पैटर्न में अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऊपर को ब्रेकआउट देने की जगह अगर ब्रेक डाउन दे देती है तो यहां से प्राइस गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप इसको एक नॉर्मल पैटर्न की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जांपल हमने आपको दिखाया है, इस केस में शेयर की प्राइस ने पोल नहीं बनाया है, मतलब कोई आपको क्लियर अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, और यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना पहला सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ने लगी, यहां पर अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरने लगी, यहां पर अपना सेकंड सपोर्ट लिया, और इसके बाद प्राइस बढ़ने लगी और यहां पर इसने अपना सेकंड रेजिस्टेंस ले लिया है। अब जब इस तरीके का पैटर्न बन जाता है, हमने दोनों को लगते हुए लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद जैसे ही शेयर की प्राइस या तो ऊपर की तरफ, जैसे इस केस में ऊपर की तरफ इसने यहां पर क्लोजिंग दे दिया है, तो अगर यहां पर क्लोजिंग दे देती है तो जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है उसके बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर हम एंट्री करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे, यानी यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट के लिए हमारे फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही टारगेट लेकर हम ऊपर की तरफ भी चल सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ये जो हमारी सपोर्ट वाली लाइन चल रही है इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के भी चांसेस होते हैं, तो यहां पर आप शॉर्ट करने का भी ट्रेड ले सकते हैं। और वो शॉर्ट करने का ट्रेड आप कैसे लेंगे, तो जैसे मान लीजिए इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया है, तो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है आप उसके बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर अपनी एंट्री लेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही टारगेट आप नीचे लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करना आ गया है, इसके साथ ही आपको पेनेंट और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में डिफरेंस भी समझ आ गया है। तो अगर डिफरेंस समझ आ गया है तो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आपने हमारी रिवर्सल पैटर्न वाली वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने आपको एक राउंडिंग पैटर्न के बारे में बताया होगा। तो इसमें आपको ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ये राउंडिंग पैटर्न है, और इसके बाद यहां पर आपको ये जो हैंडल दिखाई दे रहा है जिसको हैंडल कहा जाता है ये एक फ्लैग पैटर्न है। तो देखो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है इसका मतलब पहले भी शेयर की प्राइस बढ़ी रही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद शेयर की प्राइस एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाने के बाद गिरने लग जाती है, तो ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है क्योंकि इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई है। अब जब शेयर की प्राइस गिरती है ना तो इसके बाद शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में आ जाता है, क्योंकि इसके बाद प्राइस गिरती रहती है जैसा यहां पर आप देख रहे हैं। अब गिरने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आने के बाद शेयर की जो प्राइस है वो साइडवेज ट्रेंड में चलती है जैसा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और साइडवेज में चलने के बाद वापस से शेयर की प्राइस में आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है जैसा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जब ये अप ट्रेंड आ जाता है उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपका एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरीके का, और अगर इसको हम इस तरीके से बना दें तो यहां पर आपको ये कप की तरह से दिखाई दे रहा है। तो जब इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कप तो बन चुका है। तो अब अगर इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस में एक फ्लैग पैटर्न बन जाता है, अब फ्लैग पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले शेयर की प्राइस में क्या होना चाहिए, वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए। तो यहां से देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में आ चुकी है, और अप ट्रेंड में आने के बाद यहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो जब फ्लैग पैटर्न बन जाता है तो क्योंकि ये कप बना है तो इसको यहां पर इस केस में हैंडल कहा जाता है, और इसमें जब ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि क्योंकि शेयर की प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट करने के बाद अब उसमें ब्रेकआउट आया है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रखा है, यहां पर पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद शेयर की प्राइस में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद शेयर की प्राइस में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला, और उसके बाद शेयर की प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अब इस अप ट्रेंड के बाद आप देख रहे हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ी, उसने अपना पहला रेजिस्टेंस बनाया, फिर गिरी, उसने अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर बढ़ी, उसने अपना सेकंड रेजिस्टेंस बनाया, फिर गिरी, उसके बाद उसने अपना सेकंड सपोर्ट बनाया, और उसके बाद वापस से जब शेयर की प्राइस बढ़ी तो यहां पर इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो जिस कैंडल ने उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो आप उस कैंडल के नीचे, यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट के लिए आपका जो सेमी सर्कल है इस सर्कल के बीच में जितना डिफरेंस है,
आप इतना ही टारगेट ऊपर लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 5% का डिफरेंस है तो आप इतना ही 5% का टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न था ये बुलिश पैटर्न था, तो इसका जो उल्टा पैटर्न होता है उसको हम इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं और ये एक बेरिश पैटर्न होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी यानी स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद जो शेयर की प्राइस है उसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ने लगी। तो यहां पर शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में आई, अप ट्रेंड में आने के बाद शेयर की प्राइस में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला है, यानी बीच में शेयर की प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट करी और उसके बाद शेयर की प्राइस में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक सेमी सर्कल बन चुका है जो कि एक उल्टा सेमी सर्कल है, और यहां पर अगर मैं इस तरीके से डिजाइन कर दूं तो ये हमारा एक उल्टा रखा हुआ कप हो जाएगा, इसलिए इसको इनवर्स कप कहा जाता है। अब अगर हैंडल की बात करें तो हैंडल में एक्चुअली यहां पर जो फ्लैग पैटर्न है जो कि बियरिश फ्लैग पैटर्न है वो पैटर्न बनता है। अब जो बियरिश फ्लैग पैटर्न है उसके बनने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहला चाहिए हमें एक पोल जो कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए यानी प्राइस गिर रही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर शेयर की प्राइस गिर रही है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने यहां पर हमारा सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर बढ़ी, यहाँ पर उसने अपना रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरी, यहाँ पर सेकंड सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस लिया। अब इसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ शेयर की प्राइस ब्रेक डाउन दे देती है तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि अब शेयर की प्राइस गिरने वाली है और आप इसके बेसिस पर शेयर सेल करने का यानी शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। अब वो ट्रेड आप कैसे लेंगे चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं। तो वो बनने के लिए सबसे पहले शेयर की प्राइस गिर रही होगी, गिरने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी, फिर बढ़ने के बाद उसी फेज में जो शेयर की प्राइस है वो साइडवेज ट्रेंड में जाएगी और साइडवेज जाने के बाद जो शेयर की प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो कप है वो तो तैयार हो चुका है। अब कप बनने के बाद आपको पता है कि आपका एक फ्लैग पैटर्न बनना चाहिए जो कि बियरिश फ्लैग होगा, उसके लिए शेयर की प्राइस पहले गिर रही थी, गिरने के बाद शेयर की प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा से यहां पर रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद जैसे ही शेयर की प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देती है तो आप ये समझ सकते हैं कि अब शेयर की प्राइस गिर गई है। और जैसे ही आपको दिखाई देता है कि अब शेयर की प्राइस गिर गई है तो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके ऊपर यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट है उसको निकालने के लिए आप अपना जो सेमी सर्कल है उसको कंप्लीट कर लीजिए और यहां पर इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही आप टारगेट नीचे लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 5% का डिफरेंस है तो आप इतना ही टारगेट नीचे भी लेकर चल सकते हैं और इस तरीके से आप इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ जितने भी कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और जितने रिवर्सल पैटर्न्स हैं वो तो हम हमारी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा ही चुके हैं। अब इसके बाद चार्ट पैटर्न से रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम हमारी थर्ड वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आने चाहिए। जब अच्छे खासे कॉमेंट आएंगे तभी हम उस वीडियो को बनाएंगे, अदरवाइज ये दोनों वीडियो में चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी थर्ड वीडियो बनाएं तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी कैंडलस्टिक पैटर्न की, अगर आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको जरूर देख लेना। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।